भागलपुर जिले के कहलगांव में मानव श्रृंखला के लिए विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं बड़े पैमाने पर भागलपुर जिले में मानव श्रृंखला के लिए विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं बड़े पैमाने पर बच्चों को भी हाथ जोड़कर मानव श्रृंखला में उत्साहित होकर भाग लिया। बिहार एक बार फिर से इतिहास रचा है। बिहार में विश्व की अब तक की सबसे लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई है। जल जीवन हरियाली बिहार में बाल विवाह और दहेज प्रथा मिटाने के लिए पूरे बिहार की जनता द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई। जल जीवन हरियाली और दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के खिलाफ एक बार फिर से भागलपुर एकजुट होकर सभी लोग एवं विद्यालय के छात्र छात्राएं मानव श्रृंखला जोश जुनून के साथ भाग लिया और सफल बनाने की मुख्य उद्देश्य पूर्ण किया। कहीं मुखिया जनप्रतिनिधि और कहीं अन्य प्रतिनिधि मानव श्रृंखला में भाग लेते देखे गए। वहीं प्रशासन के द्वारा चुस्त दुरुस्त से अपना योगदान निभाते देखे गए। जगह जगह पर जल एवं मेडिकल चिकित्सक भी उपस्थित रहे। जो लाए हैं क्या इसका कहना है, क्या रीजन है, बिहार सरकार को क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग इस संबंध में? जल जीवन हरियाली और इसका बाल विवाह मुख्य उद्देश्य है। उसको जो ओजोन परत का जो लेयर बढ़ चुका है उसके लिए ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, इसके लिए पेड़ पौधा लगाना होगा और वृक्षारोपण बच्चों में जागरूकती नए वृक्ष को लगा करके जहाँ सूखा क्षेत्र है वहाँ हरियाली होना चाहिए और जल को बर्बाद होने से बचाना है ताकि आने वाला जो पीढ़ी है उसको जल की पूर्ति हो सके। इसके लिए आप विद्यालय में भी बच्चे को अवगत कराते होंगे इस संबंध में? इसके लिए तो हम लोग विद्यालय में तो कोर्स चलता ही है, जल ही जीवन है, लोग के किताब में है चैप्टर, उसके आधार पर लोग पढ़ती है कि जल की कितनी मात्रा है, कितना खारा जल है, कितना मीठा जल है, कौन सा जल हम लोग उपयोग करते हैं, भूमि के बारे में पढ़ती है, वन के बारे में पढ़ती है, जल प्रदूषण पढ़ती है, वायु प्रदूषण पढ़ती है, सब प्रदूषण के बारे में लोग को जानकारी दिया जाता है। उसके आधार पर लोग को पता है कि वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष है तो हम है, वृक्ष नहीं है तो हम नहीं। आप कौन सा विद्यालय से आए? हम एकचारी मध्य विद्यालय से हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक कुमार है। श्रृंखला के बारे में आप क्या कहना है? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल जीवन और हरियाली के लिए जो आज मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ है उसमें हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। मैं रामकृष्ण झा ग्राम पंचायत मदारगंज सक्रिय सदस्य जिला। आप श्रृंखला के लिए आप आए हुए हैं सर, कहाँ से आए हुए हैं? हम ग्राम पंचायत अमडंडा से आए हैं सरोला प्रखंड के अंतर्गत और ये जो है मानव श्रृंखला में हम लोग अभी उपस्थित हैं। ये मानव के लिए जल और जीवन दोनों महत्वपूर्ण मायने हैं। जल के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता और हरियाली के बिना जल नहीं हो सकता, इसलिए हम सभी को बचा के ही हम लोग को चलना है। इसीलिए ये मानव श्रृंखला माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम रखा गया है इसी को लेकर के हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद आलम, मैं अमडंडा पंचायत से पूर्व पंचायत समिति की प्रतिनिधि हूँ और जदयू के सक्रिय सदस्य।